आप सबों का TRLSS क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्लास 11 मैथ्स क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बता दें, क्लास 11 का जो मैथ्स है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में काफ़ी एग्ज़ाम्स में भी 11th 12th के मैथ्स पूछे जाते हैं। जैसे हरियाणा के SSC एग्ज़ाम्स में भी हम लोग देखते हैं 11th 12th से क्वेश्चंस आ जाते हैं मैथ्स से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 11th और का मैथ्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और तो हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमारे 11th क्लास में पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर का कुछ पार्ट्स हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, चैप्टर नंबर 1 जो है सेट जो है वो चैप्टर नंबर 1 है जिसको हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में। और सेकंड जो है रिलेशन एंड फंक्शन, इसके बारे में समझेंगे। थर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग 10th क्लास, हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं मतलब। तो 10th क्लास में हम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जिसके बेसिस पर ये चैप्टर्स थोड़ा समझने में हेल्पफुल होगा। तो चैप्टर 3 का जो है क्लास 10th से लिंक है, तो जो क्लास 10th में अच्छे से पढ़े उसको ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। चैप्टर 4 जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस है, ये टोटली न्यू चैप्टर्स है जो कि हम लोग क्लास 11th क्लासेस में ही समझेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 जो है क्लास 11 में वो है कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हिंदी में द्विघाती समीकरण कहते हैं, जो कि हम लोग क्लास 10th में इसके बारे में 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा इस पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो उससे काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो चैप्टर 6 है वो पढ़ेंगे। फिर परमुटेशन एंड कम्बिनेसन जो कि टोटली न्यू चैप्टर्स है, बाइनोमियल थ्योरम्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज जो है चैप्टर नंबर 9, वो भी क्लास 10th में कुछ पार्ट्स को हम लोग कर चुके हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP समांतर श्रेणी जो पढ़े थे उस चैप्टर से ये लिंक है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो का समझने में थोड़ा आसान होगा अगर 10th में आप अच्छे से पढ़ लिए हो। उसके बाद स्ट्रेट लाइन के बारे में स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर कॉनिक सेक्शन समझेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री जिसको हम लोग निर्देशांक जो ज्यामिति जो पढ़े थे उससे भी हेल्पफुल, उससे थोड़ा सा ये हेल्प होगा समझने में। ये क्लास 10th में इसका कुछ लिंक है, तो वहाँ आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना, तो थोड़ा उससे हेल्प होगा। उसके बाद लिमिट एंड डेरिवेटिव्स न्यू चैप्टर्स हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो भी नया चैप्टर्स 11th में। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, ये आप 10th में इसका पोर्शन कुछ पढ़ चुके हो तो इस चैप्टर को समझने में काफ़ी आसान होगा। और प्रोबेबिलिटी भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके जो जिसका हिंदी होता है प्रायिकता। तो हम लोग देखते हैं टोटल 11th में अगर देखें तो 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर ऐसे हैं जो क्लास 10th से रिलेटेड हैं। तो पहले हम लोग यही चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग का 10th का जो कंटिन्यूटी बना रहे हैं और समझने में ये चैप्टर्स तो आप लोग को आसानी होगा। फिर उसके बाद फिर बाकी के चैप्टर्स को भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। x² + 5x + 4 = 0, √6x² + 7x + 2 √6 = 0। ये एक द्विघाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप हम लोग को भेजो। तो ये आज का इंट्रोडक्शन क्लास था और नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो चैप्टर 10th से रिलेटेड है उसके अनुसार, ताकि आप लोग को और अच्छे से इजी वे में समझ में आ सके। और जो भी सजेशंस हो आप कॉमेंट करो, तो उसके बेसिस पर हम लोग और क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।